नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं गंजेपन की। पुरुषों में गंजेपन की परेशानी एक आम परेशानी है। कई लोग मानते हैं कि इसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी पर भी असर पड़ता है। अगर आप भी गंजेपन की परेशानी को झेल रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे वजह क्या है। मेरे काफ़ी सारे बाल चले गए थे। लोग जैसे मैं ऑफिस में बैठता था अपने, तो लोग सर पे देखते थे मेरे, कि मेरे को लगता था कि लोग मेरे को सर पे देख रहे हैं। इन द मीन टाइम मैं बच्चे के स्कूल में पीटीएम पे गया, तो वहाँ पर मुझे मेरे बेटे के फ्रेंड ने उसे कहा कि वो गंजे वाले तेरे पापा हैं। तब मुझे बहुत शौक लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ लाइफ में। तो मैंने फिर सोचा कुछ भी हो जाए मुझे ट्रांसफर करवाना। मैंने ट्रांसफर करवा लिया। दो शब्द हैं, हेयर फॉल और हेयर लॉस। हेयर लॉस यानी जड़ से बाल का गायब हो जाना, उसे कहते हैं गंजापन। अब 40% मेल्स में ये होता है। कितने एक्सटेंड तक होगा, किसी का थोड़ा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, ये डिपेंड करता है हमारे जीन्स पे, यानी हमारे फैमिली में कितनों का कैसा कैसा पैटर्न है। इसलिए इसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में मेल पैटर्न बॉल्डनेस। दूसरे कारण है हेयर लॉस के, वो होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। जैसे बीच में यहाँ से गायब हो गया इतने से हिस्से से ओवरनाइट, वो अलग चीज़ है, वो रेयर है कंपेयर टू गंजापन। जो तीसरा कारण है जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लेते हैं तो पूरे का पूरा बाल शेड ऑफ हो जाता है। ये कुछ कैटेगरीज हैं हेयर लॉस की। लेकिन मेल्स में ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है। स्ट्रेस कैन लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। पक्का ट्रीटमेंट तो हेयर ट्रांसप्लांट ही है। और भी चीज़ें हैं, एक तो जैसे मैंने बोला अच्छी हैबिट्स रखें, ड्रग्स वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं लें जिससे कि जल्दी हेयर लॉस हो। अच्छी तरह से अपने बालों को ट्रीट करें। हेयर ट्रांसप्लांट कई बार लोग बोलते हैं सर्जरी, मैं उस समय बोलता हूँ नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सर्जरी नहीं है, इट इज़ एन आर्ट ऑल्सो। सिर्फ ये नहीं काफ़ी कि यहाँ से लिया बाल और यहाँ लगा दिया। पुराने ज़माने में जैसे आपने शायद देखा भी हो, बालों का गुच्छा लेते थे, यहाँ लगाते थे और दूर से पता चलता था कि ट्रांसप्लांट किया हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ कि अच्छी तरह से किया गया हो तो कोई नज़दीक से भी देखेगा, जितना भी नज़दीक से देख ले पता ही नहीं चलेगा कि ट्रांसप्लांट है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। तो उसके लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो रूट्स हैं, इट्स नॉट एक्चुअली, वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कहना चाहिए, हेयर रूट ट्रांसप्लांट। ये वाले बाल जैसे परमानेंट हैं, ज़िंदगी भर रहेंगे, दाढ़ी वाले बाल भी हैं, तो इनकी रूट लेते हैं और यहाँ पे जहाँ लगाना है उस पे एक पर्टिकुलर एंगल, डायरेक्शन और डेंसिटी पे लगाते हैं, तो वो रूट उसके बाद उसमें से बाल उगता रहेगा ज़िंदगी भर। आप कटवा सकते हैं, शेव करा सकते हैं, जो मर्ज़ी।